रहमान रहीम, हम मौजूद हैं जी आज एंटी इंक्रोचमेंट की मोजेस कोर्ट में। आप मेरे देख रहे हैं, मेरे बैक पे जो है पुलिस की माशाल्लाह बड़ी कसीर तादाद। इस सिलसिले में आई है कि हलीम आदिल जो इनके कागज़ों में दहशतगर्द और डाकू के लाते हैं, उनको दोबारा किसी और केस में शायद बंद करने के लिए आए थे, लेकिन हमने जो है वो रिलीज ऑर्डर भी नहीं लिया क्योंकि हमें खदशात थे इनकी। जैसे जैसे नफरियाँ बढ़ती जा रही थी उससे हमें ये लग रहा था कि शायद मज़ीद इन्होंने कोई और केस शायद कर दिया है। पोछे हट करने किसी काम नहीं आएंगे। मोजेस अदालतों पे हमें भरोसा है, यकीन है। यही पुलिस अगर हमारी कराची की मुख्तलिफ गलियों में, मुख्तलिफ अजला के अंदर, मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर, मुख्तलिफ यूसीज़ के अंदर अगर डिप्यूट हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारे कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स की कमी आ सकती है। स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने में पुलिस हमारी कराची की नाकाम हो चुकी है। मैंने कल भी खत लिखा है, मैं आज भी कह रहा हूँ, एक हलीम आदिल के अरेस्ट के लिए इतनी सैकड़ों तादाद में पुलिस नफरी का यहाँ ना पैसे सवाल है। मतलब क्या हलीम आदिल को आप अरेस्ट, अगर आपके पास कोई केस है, हलीम आदिल तो फ्राक दिली के साथ अरेस्ट हो रहा है, वो तो हर चीज़ को जो है वो अपनी मॉरलिटी को देखते हुए पुलिस के कानून के मुताबिक, जो हमारा कानून है उसके मुताबिक चल रहा है। अभी तक हमने कोई गैर आइनी काम नहीं किया है। हलीम आदिल से खौफजदा ना हो, उन डाकुओं से खौफजदा हों जो इस कराची को लूट रहे हैं, जो वारदातें कर रहे हैं, जो डकैतियाँ कर रहे हैं और साथ में उनको मर्डर भी कर रहे हैं मजामत करने के ऊपर, ये एक सवाली निशान छोड़े जा रहा हूँ। हलीम आदिल पर जितने मर्जी केस बनाते जाएँ, हलीम आदिल की हौसला अफजाई और हौसला जो है कल भी बुलंद थे क्योंकि इमरान खान का टाइगर है, और आज भी मिला हूँ, आज भी उनके हौसले बुलंद हैं और उन्होंने कहा है सैलाब मुतासरीन को इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा होना है और उन तक इमदाद पहुँचानी है। बहुत शुक्रिया। रहमान महे सर, मैं हलीम आदिल शेख साहब का वकील हूँ और इन केसेस में मैं उनका लीडिंग लायर हूँ। तो आज जब बेल ऑनरेबल कोर्ट ने ग्रांट कर दी तो बाहर अचानक से नफरी ज़्यादा हो गई और हमने एप्लीकेशन दी ऑनरेबल कोर्ट को कि सर हमें एप्रीहेंशन है अभी, क्योंकि 27-28 FIR हम पे हो चुकी हैं। तो बाहर जो है इतनी नफरी, हमें खदशा है कि कोई और एजेंसी फिर हमें उठा लेगी। तो अगर के प्रॉपर किसी एजेंसी को कहा जाए कि वो हमें सिक्योरिटी दे और हमें घर पहुंचाया जाए, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, आप ऑनरेबल हाई कोर्ट से राबता करें। तो इस वजह से हमने आज जो है रिलीज़ ऑर्डर नहीं लिया ताकि हाई कोर्ट से हमारा प्रॉपर ऑर्डर हो जाए, उसके बाद हम उसमें कल जो है रिलीज़ ऑर्डर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। पकड़ने में लगी हुई है, एक दहशतगर्द नहीं पकड़ा जा रहा, एक डाकू नहीं पकड़ा जा रहा। सारी पुलिस SP DSP ये सारे जिन्होंने डाकू पकड़ने थे, ये हलीम आदिल दहशतगर्द को पकड़ने में लगे हुए हैं। अल्लाह इनसे पूछेगा कि भाई डाकू पकड़ लो, डाकू पकड़ लो, यही मिल गया था भाई, डाकू मिल गया जो सिंध हुकूमत को बदनाम करता है। मैं तो जेल जा रहा हूँ, आप ही घर जाओ अपने।